अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक्स के बारे में, जो गवर्नमेंट की रिसेंटली स्कीम है उसके बारे में। थोड़ी वीडियो जो है वो लेट हो गई है, इसके लिए माजरत है, और आज हम इसको डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से सुबह भर के तलबा तलबात के लिए ईद का तोहफा, ये ईद से कबल जो है वो ऐड आया था चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव मरियम नवाज साहिबा की तरफ से सीएम पंजाब। उसके बाद है जी, इसमें सवारी से ख़ुद मुख्तार, और ये तलबा तलबात के लिए पहले मरहले में 20,000 मोटर बाइक्स की फ़राहमी। बैंक ऑफ पंजाब के इश्तराक से हुकूमत पंजाब का तलीम दोस्त कदम है ये। तो इसमें 2 साल की आसान महाना एक किस्त होगी, जो 2 साल आपको हर माह किस्त जो है वो देनी पड़ेगी। हुकूमत पंजाब की जानब से 1 अरब रुपए की सब्सिडी, डाउन पेमेंट की मद में 20,000 रुपये और किस्त मार्कअप दी गई की अदायगी होगी। डाउन पेमेंट जो होगी वो 20,000 होगी, जो आपने पहले जमा करवानी होगी, और इसमें 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं और 1,000 ई बाइक्स हैं। तलबा तालबात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त के लिए वेब पोर्टल www.bikes.punjab.gov.pk। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 29 अप्रैल बरोज़ सोमवार है। इसमें जो शरायत है वो नीचे देख लेते हैं, क्या तरीक़ाकार है, ये ऊपर वेबसाइट आपको बता दी, ये मैं बाकायदा वेबसाइट्स जो है ना वो ओपन करके इसका तरीक़ाकार भी आपको डिटेल से गाइड कर दूँगा किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सुबह भर के 8 लाख से ज़ायद तलबा तलबात के लिए अपनी सवारी हासिल करने का जो है वो नादर मौका। आबादी के तनासब से हर ज़िले की मौसर नुमाइंदगी। पेट्रोल बाइक तलबात के लिए 11,676, तलबा के लिए 7,324। ई बाइक्स पहले मरहल में 5 शहरों फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में कायम शुदा ग्रेजुएट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए 700 और तलबात के लिए 300। दरख्वास्त ज़्यादा मसूल होने पर कंप्यूटराइज कुरानंदाजी की जाएगी। अहलियत है इसकी उम्र 18 साल से ज़ायद हो। 18 साल से कम वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। उसके अलावा सरकारी जो है वो या निजी ग्रेजुएट कॉलेज यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टूडेंट तालब इल्म हो। मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है या लर्नर परमिट का हासिल का हमल हो, शरायत और ज़वाबत लागू होंगे। आपके पास कम अज़ कम लर्नर होना चाहिए या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो लर्नर जो है वो आसानी से बन जाता है, उसकी फ़ीस वैसे जो है वो गवर्नमेंट की 500 रुपये है। तो अगर कोई प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे ले तो वो हर एक की अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस है, कोई 200 ले लेता है, कोई 300 ले लेता है, कोई 100 में भी कर देता है। आप लोग ख़ुद करना चाहें तो आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऐड करके। वो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, अब लर्नर जो है वो किस तरह से ऑनलाइन बनाया जाता है, इसी चैनल पे लर्नर की वीडियो भी मौजूद है। अगर आपका लर्नर नहीं बना हुआ तो वो आप लोग बना सकते हैं। तो ये जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका प्रॉपर गाइड करता हूँ कि आप लोग किस तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अगर क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें।